देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी मगर मोटी बात कर लेते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बात। मैंने अभी कल जाके मेरे चैनल का एनालिटिक्स चेक किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे सुन तो लो पहले। अच्छा बोल। मैंने कल अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाके चेक किया, तब मुझे पता चला कि साला आधे से ज्यादा लोगों ने तो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। अरे भाई, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको ही तो ढंग से नोटिफिकेशन नहीं भेजता यूट्यूब, तो नए सब्सक्राइबर्स लेके क्या उखाड़ लोगे। बिल्कुल चुप। ए, इसकी बात मत सुनो रे, हाथर आए से एयरपोर्ट भोका था, तुम मेरी सुनो। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और वो जो साइड में ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटा है ना, वो भी दबा देना। वैसे भी YouTube तो ढंग से नोटिफिकेशन भेजेगा नहीं, लेकिन फिर भी कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलती है, इसलिए दबा देना। ओके चलो बस हो गया भीख मांगना, अब आज के वीडियो पे आते हैं। अरे आओ ना फिर। तो लेडीज एंड लेडर्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे महान कंटेंट क्रिएटर के बारे में जिन्होंने अपना कंटेंट इंटरनेशनली ले जाके इंडिया का नाम रोशन किया है। अरे भाई क्या किया है, अबे इंडिया का नाम रोशन किया है। रोशन चिल्लाता क्या, रोशन क्या लगा, क्या सोचता है मैं बहरा हूँ अपनी तो साले का। तो इनसे मिलिए, ये है अपने आज के वीडियो के मेन कैरेक्टर। इनका नाम है दृश्यम 2, सॉरी क्या नाम है रे इसका, अरे भाई दृश्यम नहीं, दुशांत। हाँ तो जिनके वीडियो देख के पक जाता है सबका भेजा, ही इज नन अदर देन दुशांत कुकरेजा। हाँ तो चलो फिर दुशांत के कुछ दुष्कर्म देखते वीडियो देखते हैं। अमेरिका बोलता है कि हमने मोबाइल का आविष्कार किया है। चाइना बोलता है कि हमने सिम कार्ड का आविष्कार किया है। जापान बोलता है कि हमने SMS का आविष्कार किया है। और हमारा दिल बोलता है तुमने सबसे बड़े क्रिंज का आविष्कार किया है। साला ईस्वी सन 1756 के व्हाट्सएप फॉरवर्ड को इसने अपना कंटेंट बना रखा है बे। कोरिया बोलता है कि हमने ब्लूटूथ का आविष्कार किया है। और यहाँ हमारा भारत इंडिया बोलता है कि हमने मिस कॉल का आविष्कार किया है। माय जी कटकट, इतना फनी जोक तो मैंने लॉरेन एंड हार्डी के शो में भी नहीं सुना था बे। शेयर करो ये वीडियो उन दोस्तों को जो आज भी अनलिमिटेड कॉलिंग होने के बावजूद मिस कॉल मारते हैं। करो करो, दबा के शेयर करो, क्योंकि इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले कंटेंट को हमें ट्रेंडिंग पेज में पहुँचाना है। दृश्यम 2 का इंटरनेशनल वाला कंटेंट सच में ट्रेंडिंग पेज पे आ गया, वो भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। ये सारे यूट्यूब एम्प्लॉइज को क्या मोतियाबिंद हो गया है क्या बे? ये क्या डाल दिया ट्रेंडिंग में। अमेरिका के लोग जब कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो अपने बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को लॉक करके आराम से निकल जाते हैं। और इंडिया में जब लोग कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो भी बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को भी अच्छे से लॉक करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वो वापस मुड़कर गेट खोलते हैं, अंदर घर में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं ताकि अगर कोई चोर भी यहाँ कहीं घूम रहा हो तो उसको लगे कि घर में कोई है, यहाँ चोरी ना करूं। बहुत खराब जोक था सच में। ये अमेरिका वाले कितने येड़े लोग हैं बे। नहीं मतलब कहीं बाहर जाने से पहले ये लोग अपनी बैग पैक करते हैं, घर के लाइट्स ऑफ करते हैं, बाहर से गेट भी बंद कर देते हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट लोग साला फैन वैसे ही चालू छोड़ के चले जाते हैं बे। आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। ओके देखो अपन ठहरे मिडिल क्लास वाले लोग, तो पैसे कमाने से ज्यादा पैसे बचाना अपने लिए जरूरी होता है, इसीलिए तो हम हर चीज में डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं। पर क्या करे, हर चीज में डिस्काउंट मिलना तो पॉसिबल नहीं होता ना, है कि नहीं? नहीं। ए, नहीं कौन बोला रे? अरे आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लाया हूं जिसमें आपको हर चीज में डिस्काउंट मिलेगा। मैं नहीं मानता। अरे सच्ची यार, इस ऐप का नाम है मैजिक पिन। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस ऐप में आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं कि फूड डिलीवरी में कितना डिस्काउंट है, तो ये देखो ये सारे आ गए हैं फूड कैटेगरी के डिस्काउंट रेट्स, जो आपका समय और पैसा दोनों बचाएंगे। क्योंकि यार नॉर्मल ऐप में डिस्काउंट ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है, साला जल्दी मिलता ही नहीं है। लेकिन मैजिक पिन में आपको एक ही क्लिक में सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसमें जैसे आप अपने ऑर्डर का बिल अपलोड करोगे तो आपको इंस्टेंट कैश बैक भी मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड ESTENTERTAINMENT डाल के साइन अप करोगे तो पहले 200 यूजर्स को 200 मैजिक पिन का साइन अप बोनस भी मिलेगा। और एक मैजिक पॉइंट्स मतलब
आप 1 रुपया और इस मैजिक पॉइंट्स को आप कहीं पे भी शॉपिंग करते वक्त यूज कर सकते हो। और पता है अगर आप मैजिक पिन में न्यू यूजर 90 का कूपन कोड यूज करोगे तो आपको फर्स्ट फूड डिलीवरी पे 90% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब समझे दया, अपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ऑलमोस्ट फ्री की ट्रीट मिलेगी। तो अब आपको ही डिसाइड करना है कि अब आप फूड कहाँ से ऑर्डर करोगे, 90% डिस्काउंट से या कहीं और से। अरे भाई इसमें सोचने की क्या बात है, मैजिक पिन से ही ऑर्डर करेंगे। हाँ तो देर किस बात की, जाओ डिस्क्रिप्शन में मैजिक पिन की लिंक है, डाउनलोड करो। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं, जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं, और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। ये देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग की माँ का भरोसा नहीं हुआ है ना, कसम से कहते हो एकदम संत आदमी हो फिर आप। आपके अंदर कूट कूट की चिलाजीत भरा है, सहनशीलता भरी हुई है। अगर आप ऐसे सदाबहार कॉमेडी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे हो कि आई कांट स्टॉप लाफिंग अमेजिंग वीडियो, तो सच में आप उन्हीं लोगों में से हो जिसके लिए नासा एक अलग से ग्रह ढूंढ रहा है। कौन है ये लोग? अरे ये लोग हसमुख कैटेगरी के लोग है, इनके ऊपर अगर टियर गैस के गोले भी डालो ना फिर भी ये लोग हंसते ही रहेंगे। पागल की तरह हंसता रहता है। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। सच में यार क्या ही रिलेटेबल जोक मारा है भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर। सच में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं जब कुत्ता भौंकता है, लेकिन साला जब कुत्ता हकता है तब लोग क्या बोलते होंगे? अमेरिका में जब कुत्ता हकता है तब वो लोग बोलते हैं, अले ले ले मेला हगो बेटा हग रहा है, हगो हगो अच्छे से हगो। चाइना में जब कुत्ता हकता है तब वो लोग बोलते हैं, अरे वाह लंच का इंतजाम तो हो गया, अब डिनर के लिए बिल्ली को हगवाएंगे। जापान में जब कुत्ता हकता है तब वो लोग बोलते हैं, सूची सिंगा पोंगिया हिंगा पोंगो कुत्ता हक दिया। चुप कर बे कुत्ते। और इंडिया में जब कुत्ता हकता है तब वो लोग बोलते हैं, साला खा खा के गेंडा हो गया है, कितना हकता रहता है, कल से इसकी पेडिग्री बंद करनी पड़ेगी। अबे साले भाई मेरे, अगर ऐसे ही अमेरिका जापान चाइना वाले कंटेंट बनाते रहोगे तो साला कुछ दिन बाद तुम्हारे वीडियो देखने के लिए भी लोगों को वीजा देना पड़ेगा। और गलती से भी कभी अमेरिका जापान चाइना वालों ने गूगल ट्रांसलेट करके तुम्हारे वीडियो देख लिए ना, कसम से कहता हूँ फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर इतनी धाराएं लगाएंगे ना, तुम्हारा धारावी जाना भी मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया। शट द एफ अप, अब मैं और नहीं झेल सकता, बंद करो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ प्लीज अमेरिका जापान चाइना वालों को छोड़ के इंडिया वालों के साथ ही वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है? Okay. और हाँ मैजिक पिन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।